हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अब तक मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया। मैंने सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, कंबिनेशन ऑफ चार्जेस यानी कि डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, ये कैलकुलेट करना बताया। ठीक है, आज हम इस पोटेंशियल वैल्यू की अगर हम बात करें, जैसे हमने पोटेंशियल को लिखा था, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या लिखते थे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो इस रिलेशन को ध्यान से देखो, इस रिलेशन में जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करती है किसके, आर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, आर के ऊपर। तो बेटा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे, आर का मतलब क्या है, पोजीशंस। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई सरफेस है और उस सरफेस पर कोई भी पॉइंट चूज कर लिया जाए, मान लीजिए ये बोर्ड एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पर मैं ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट चूज कर लेता हूं। ठीक है, और इन सभी पॉइंटों पर ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन सभी पॉइंटों पर यदि मेरी पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल ऑफ ए, पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल ऑफ सी एंड सो ऑन, यदि ये सारी वैल्यूज बराबर आ रही हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इस प्लेन को जिसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है, उस प्लेन को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसको, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समझ में आई बात, यदि किसी सरफेस पर चूज किए गए हर बिंदु पर पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे, तो वो सरफेस कैसी कहलाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। क्लियर हुई बात। तो डेफिनेशन क्या कहती है बेटा, इट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ, कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का लोकस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, हमेशा क्या रहे बेटा, सेम रहे, तो उस लोकस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। बात क्लियर हुई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि भाई अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, क्या ले लें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ले लें। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, पैरेलल लाइंस, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब जो फील्ड स्ट्रेंथ है थ्रू आउट क्या रहेगी, सेम रहेगी। और इन पैरेलल लाइंस पर हम अलग अलग सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, यहां पर ये फर्स्ट प्लेन, प्लेन ए। इसी प्रकार से हमने एक प्लेन ले लिया बेटा यहां पर, प्लेन बी। ठीक है, दो प्लेन ले लिए हमारे पास, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, तो अगर हम ये सेक्शन एक प्लेन कंसीडर करें, प्लेन ए, तो प्लेन ए पर चूज किया गया प्रत्येक बिंदु कहीं पर भी चूज कर ले बेटा, तो उस बिंदु पर पोटेंशियल की वैल्यू, किसकी वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, वी ऑफ आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है एट एवरी पॉइंट, और या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या लेंगे, डीवी माइनस डीवी बाय डीआर, ये रिजल्ट भी आता है। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इस प्लेन पर, इस लोकस पर, हर बिंदु पर क्या रहेगी, अगर सेम आ रही है कि वी ए। ठीक है, तो ये जो प्लेन बनाया है मैंने, ये प्लेन क्या कहलाएगा, इक्वी पोटेंशियल प्लेन कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर इस पर जितने भी पॉइंट हैं सब पॉइंटों पर क्या रही है, पोटेंशियल की वैल्यू सेम आ रही है, तो वी बी भी क्या बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल प्लेन। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है,
तो उसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी है, फील्ड स्ट्रेंथ है, वो चेंज होगी। और यदि फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल की वैल्यू में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। इसीलिए वो सरफेस फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं रहेगी। तो इस प्रॉपर्टी से क्या निकल कर आया, ये बात समझ में आई हमें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रहेगी वो किसी प्लेन पर इक्विपोटेंशियल होगी, ठीक है, समान रहेगी यदि उस प्लेन में से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ठीक है। तो एक बात यहां से क्लियर हो गई। दूसरी बात हमारे पास, दूसरी जो बात है कि यदि हम एक सिंगल चार्ज ले लें, मान लिया हमारे पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज ले लिया हमने प्लस क्यू ओ बिंदु पर, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, तो हमें पता है कि सिंगल चार्ज से पोटेंशियल की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है एट एनी डिस्टेंस आर पर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है। तो फर्स्ट पोजीशन अगर मैं आर की कुछ वैल्यू लूँ, ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं, तो अगर हम इसको लिख दें के बाई आर, ये फॉर्मूला आ गया बेटा के बाई आर, ये सारी चीज के मान ली, तो इसका मतलब है आर के आधार पर, आर के बेसिस पर पोटेंशियल की वैल्यू। अब मान लिया अगर मैं इस बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु ले लूं वहां से पी, और इस पी को घुमा दूं स्फेरिकली, ठीक है, तो हर जगह डिस्टेंस क्या रहेगी आर, ये भी आर, ये भी आर, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आर चेंज नहीं हुआ स्फेरिकली रोटेशन में, तो पोटेंशियल इस बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगी वी, इस पर भी क्या होगी वी, इस पर भी क्या होगी वी, और इस बिंदु पर भी पोटेंशियल क्या होगी V। तो तुमने क्या सीखा, तुमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, फर्स्ट बात क्या सीखी, पहली पहली बात सीखी बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज फिक्स, ठीक है, फिक्स या सेम, क्लियर होगी बात। और दूसरी बात कैसी कि अगर आप इसकी रोटेशन को चेक करें, इसकी सराउंडिंग को देखें, तो वो कैसी हो जाएगी, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल स्फेरिकल वैल्यू भी आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। बात क्लियर हो रही है, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को बढ़ा दूं यहां पर ले आऊं, ठीक है, अब मैंने क्या किया बेटा इस आर की वैल्यू को बढ़ा दिया, तो अगली बार हम क्या लेंगे इस नेक्स्ट आर के लिए ये सरफेस हो जाएगी। तो ये है हमारी फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड सो ऑन। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसकी वजह से बेटा, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं आर कंसेंट्रिक, वो क्या है बेटा, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स भी बोल सकते हो, स्फीयर्स भी बोल सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि वो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, क्योंकि तो सेंटर तो कॉमन रहेगा और सेंटर पर क्या होगा, वो तो चार्ज रखा हुआ होगा, ठीक है। बात दूसरी बात समझ में। अगर अब मैं तीसरी बात लूँ यहीं पर, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में ही बता रहा हूँ बेटा मैं, कि अलग-अलग कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की वजह से, अलग-अलग सिचुएशंस की वजह से ये जो लोकस है जिसको हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला था, वो लोकस कैसा होगा, तो सिंगल चार्ज की वजह से स्फेरिकल सिमेट्रिकल लोकस बनेगा, और जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी वो सारी की सारी कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी, ठीक है, या स्फीयर्स होंगी। अगर हम अब हमारा क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, अगर हमारे पास दो लाइक चार्ज हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है बेटा, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर हो गया बात, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक सिंगल चार्ज की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे होगी, दूसरा पॉजिटिव चार्ज जो है ये है उसकी वजह से एक पोटेंशियल सरफेस ऐसे होगी, क्लियर हो गई बात। तो ये देखिए आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी,
तो जहां पर ये कॉमन पॉइंट आएगा वहां पर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस मॉडिफाई हो जाएगी इस प्रकार से, इस प्रकार से मॉडिफाई होके ये जो एरिया है, ये तो खाली एरिया आ गया बेटा ये वाला, ठीक है, ये एरिया कैसा हो जाएगा, दिस इज द नल पॉइंट एरिया, यहां पर नल पॉइंट आएगा बेटा। अगर सिमिलर चार्ज है, सिमिलर चार्ज में रिपल्सन होती है आपको पता है, और रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करती है, ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ रखी है, तो उस लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करने की वजह से, ठीक है, तो क्या होगा, इसके यहां पर सेंटर पॉइंट में दोनों चार्जेस के बीच में एक नल पॉइंट आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ई किसके बराबर होता है, माइनस डीवी बाई डी आर, तो इसका मतलब डीवी का मान क्या हो जाएगा, जीरो। डीवी का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल, डीवी का मतलब क्या बेटा, चेंज इन पोटेंशियल वैल्यू, तो पोटेंशियल की वैल्यू में चेंज कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, इसका मतलब है यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगी, अगर चेंज नहीं आ रहा है तो कॉन्स्टेंट वैल्यू चलेगी। तो दो सिमिलर पॉइंट चार्जेस की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां पर होती है, यहां पर होती है, तो दिस इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइक चार्जेस की वजह से। तो बात समझ में आई, ये शेप भी समझ में आई आपको, और कहां पर लाइक करेगी वो भी समझ में आई, ठीक है। अब ये तो थे लाइक चार्जेस, अगर चार्जेस अनलाइक हो, कैसे बेटा, अनलाइक, अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो आपको पता है पर जो फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव में जाती हैं, पता है ना आपको, तो पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में जाएगी, इस प्रकार से आपने फील्ड लाइंस पढ़ी हैं, तो ये पॉजिटिव से बाहर की तरफ और नेगेटिव के अंदर की तरफ फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा, कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, और अगर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट हो, या दो चार्जेस हो पॉजिटिव और नेगेटिव, अनलाइक चार्जेस हो, तो कंट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, तो फील्ड लाइन से बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इसकी वजह से जो फील्ड लाइन है, देखो ये चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक सिंगल चार्ज की वजह से क्या होगी, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, इसकी वजह से भी क्या होगी, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, तो जिस हिस्से में कॉन्ट्रैक्शन होगा उस हिस्से में फील्ड लाइन पास पास आ जाएगी, यानी कि अब क्या होगा बेटा, नेक्स्ट लाइन ऐसे होगी, ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल में होकर थोड़ी सी अंडाकार हो जाएगी, ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर भी क्या जाएगा, ये फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएंगी। तो तुमने क्या देखा, अलोंग द लेंथ, क्या देखा तुमने, अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग जो पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल लाइंस आर क्लोजर, क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या आ जाएंगे बेटा, पास आ जाएंगी, क्लोजर टू ईच अदर हो जाएंगी, ठीक है, ये रहा। तो यहां पर तो नजदीक नजदीक आ गई, तो एक भी पोटेंशियल नहीं बनेगी, तो दूर जो होगा, दूर जब इन चार्जेस से हम दूर जाएंगे, अवे फ्रॉम द चार्जेस, तो वहां पर हमारी इक्वी पोटेंशियल, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहां पर लाई करेगी, तो लाइक चार्जेस में बिकॉज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइज अवे फ्रॉम द चार्जेस, ठीक है, एंड टुवर्ड्स द चार्जेस या इन बिटवीन द चार्जेस देयर विल बी अ कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाएगी फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस सिकुड़ने का मतलब क्या है, जो पोटेंशियल सरफेस थी वो पास पास आ जाएगी। तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमारी नेक्स्ट बात निकल कर आई, क्या बात निकल कर आई बेटा, हमें ये पता चल गया कि जो फील्ड लाइंस हैं उनके कंट्रैक्शन की वजह से हमें फील्ड की स्ट्रेंथ का भी पता चल जाता है। तो अब हम जो पढ़ेंगे वहां से हमें कुछ, ये तो मैंने क्या करवाया था, अलग अलग प्रकार के
के चार्जेस कॉम्बिनेशन की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी बनेगी, कैसा उनका शेप स्ट्रक्चर होगा, वो हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर हमारे पास हैं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो हमने देखना है, वो हमने समझना है। तो बेटा पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, पहली प्रॉपर्टी क्या बताती है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे हम, दे आर परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उनके हमेशा क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, क्या होती बेटा, परपेंडिकुलर होती है। कैसे कैसे समझो इस बात को कि कैसे परपेंडिकुलर होती है, समझने की कोशिश करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, मान लिया हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लिया ये चार्ज है और इस चार्ज की वजह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, पॉइंट चार्ज यहां पर है पी, तो P बिंदु पर पोटेंशियल की वैल्यू मान लिया V है, तो यहां पर एक और पॉइंट चूज करो Q, तो Q पर V पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से सुनो, P पर अगर पोटेंशियल की वैल्यू V है, VP है मान लिया, और Q पर क्या आ जाएगी, VQ। अब क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो VP किसके बराबर आएगा, VQ के बराबर आएगा, यानी कि पोटेंशियल जो है वो हर पॉइंट पर, चाहे यहां पर कोई पॉइंट हो चाहे क्या, यानी सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट चूज कर ले पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी, इसलिए चेंज इन पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, जीरो, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। और आपको पता है कि ई किसके बराबर होता है, माइनस डीवी बाई डीआर, ये होता है ना, तो dv का मान क्या आ जाएगा, dv का मान आ जाएगा माइनस edr, और ये मान किसके बराबर बेटा, जीरो। अगर ये मान जीरो है तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dr जो डिस्टेंस है बोथ दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो उससे क्या होगा, या तो ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिखें, दिस इंप्लाइज E डॉट dr इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इससे क्या पता चलता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो यहां से क्या सिद्ध हुआ, दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू dr, dr का मतलब सरफेस, सरफेस है ना, तो ये लेंथ ले ली ना हमने, तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल तो आ जाएगा, यहां से यहां तक आ जाएगा, तो वो दूरी तो कितनी भी हो सकती है, ये मैक्सिमम दूरी जीरो से r होगी, तो इंटीग्रेशन से पता लग जाती है वो वैल्यू को। तो बेटा मेरा कहने का मतलब है dr क्या बता रही है, सरफेस, कौन सी सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, या ये कहें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज आर परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि वर्क डन, वर्क डन ठीक है, इन मूविंग ए चार्ज, इन मूविंग ए चार्ज, कोई भी टेस्ट चार्ज है बेटा, ठीक है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज कैसा होता है बेटा, जीरो। अगर हम किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को मूव करवाते हैं तो वर्क डन क्या आता है, जीरो। अब आपको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, मान लिया ये चार्ज है सोर्स चार्ज Q, इसकी वजह से हमारे पास ये सरफेस ले ली स्फेरिकल सरफेस, यहां पर एक पॉइंट चार्ज है P, यूनिट चार्ज ले लिया बेटा, यूनिट चार्ज, ठीक है, तो इस चार्ज
जब ये चार्ज यहां पर होगा तो इसकी इसकी दूरी है बेटा आर, ठीक है। तो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, वीपी, वीपी लिखी जाएगी, ठीक है। अब यहां से मैं इसको लेकर आ रहा हूं यहां पर, तो इस रास्ते से आ रहा है, तो ये क्यू बिंदु पर आ गया, तो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी क्यू। और पी से क्यू तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो कहलाएगा वी पी क्यू, क्या कहलाएगा, वी पी क्यू। बात समझ में आई, वी पी क्यू का मान क्या हो जाएगा, वी पी माइनस वी क्यू, ये आपने डेफिनेशन से पढ़ा था। तो वी पी माइनस वी क्यू, ये वर्क डन आपको समझ में आ गया। सिमिलरली जब मैं इसको क्यू से पी तक लेके जाऊंगा, वर्क डन क्यू से पी, तो क्या लिखा जाएगा, वी क्यू माइनस वी पी। जब मैं इधर से जाऊंगा तो वर्क डन क्या आएगा, ये डेफिनेशन उठा रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन उठा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वर्क डन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मुझे इस पूरी सरफेस पर ऐसे घुमाना है इसको, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू हो जाएगा बेटा जो पी से क्यू था प्लस क्यू से पी तक का वर्क डन का सम, जोड़ दो, पी क्यू से क्यू कट गया, पी से पी कट गया, ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। तो टोटल वर्क डन इज ऑलवेज जीरो टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये बात भी आपने दूसरी प्रॉपर्टी में सीख ली, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी और देखिए बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताती है, इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस होती हैं दे विल डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ, क्या बताती है वो, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ को भी बताती हैं, ठीक है। कैसे, क्लोजनेस एंड रेयरनेस, ठीक है। तो जब हमारी जहां पर जिस फील्ड में, जहां पर जिस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, यानी कि हमें क्या कैसे पता चलेगा, कैसे बताती है वो भी सुन लो, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, जहां पर बेटा ये स्ट्रॉन्ग होगी वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के नजदीक होगी, क्लोज होगी। और जहां पर वेयर आर ई इज वीक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज वीक, देन इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर क्या होगी बेटा, क्लोजर की जगह क्या हो जाएंगी, अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इस प्रकार से आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी थी, आपको पता चल गया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कहां कहां पर कैसी कैसी सिचुएशन में हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो रहेगा डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कम्युनिकेशंस की वजह से जब वो इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज को अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। तो आप तब तक इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लें ध्यान से, ठीक है बेटा।